राजस्थान के उदयपुर जिले में हुई निंदनीय घटना को लेकर नीमका थाना के मुस्लिम समुदाय ने घटना पर कड़ी निंदा की है, साथ ही कानून व्यवस्था व प्रशासन पर विश्वास व्यक्त किया है। नीमका थाना मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि देश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं, अमन चैन को बनाकर रखते हैं। घटना के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की और जहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर प्रशासन चाक चौबंद है, वहीं सभी धर्मों के धर्म गुरु भी शांति बनाए रखने की लगातार अपील कर रहे हैं। उदयपुर सिटी में जो घटना हुई है वो निंदनीय है और हम सभी के समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम आपसी भाईचारे को बनाए रखें और इस प्रकार की संवेदनशील घटनाओं से अपने आप को दूर रखें। इस प्रकार से जो घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं, वास्तव में ये लोग समाज के लिए सबसे बड़े घातक हैं। ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए एवं राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में आवाम को अपने आप को प्रतिष्ठित रखने के लिए और मान मर्यादा बनाए रखने के लिए, देश की कौमी एकता को बनाए रखने के लिए हमें पुरजोर कोशिश करते हुए शासन से दूर और असामाजिकता से अपने आप को कंठस्थ रहना चाहिए। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों से अपने आप को दूर रखें एवं इस घटना में लिप्त जितने भी असामाजिक तत्व जो हैं उनको कानून के दायरे में जो कड़ी से कड़ी सजा दी जावे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से हमारे आपसी भाईचारे में अस्थिरता पैदा होती है, आपसी मनमुटाव पैदा होते हैं। समाज के हर तबके को इस प्रकार की घटनाओं से नुकसान ही नहीं बल्कि भविष्य खराब होता है। मैं पुनः आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपसी समन्वय बनाए रखें एवं सियासत के गलियारों में इस प्रकार के असामाजिक तत्वों से सावधान रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। उदयपुर सिटी में जो घटना हुई वो निंदनीय है और सभी समुदाय के लोग इसकी इस बात की निंदा कर रहे हैं और सभी भाई अपना भाईचारा बनाए रखें और कानून पर हमें सबको विश्वास है और ऐसे लोगों को जो गलत काम करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। ठीक।